नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अमोल दीपक केड़कर है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, साइकोलॉजिस्ट हूँ, डिएडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ और हमारा खुद का हॉस्पिटल है केड़कर हॉस्पिटल, जो अकोला में स्थित है, अकोला में महाराष्ट्र में स्थित है। आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो है टेंशन हेडेक। टेंशन के कारण होने वाला हेडेक मतलब सिर दर्द इज टेंशन हेडेक। ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ही कॉमनली हमारे इंडियन सोसाइटी में, इंडियन पॉपुलेशन में दिखता है। करीब करीब 5-10% पॉपुलेशन को ये जो टेंशन हेडेक है इससे लोग ग्रासित है। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि टेंशन हेडेक होने के बावजूद एक तो उसको जनरल प्रैक्टिशनर्स डायग्नोस नहीं कर पाते और दो अगर डायग्नोसिस हुआ तो भी पेशेंट्स ये डॉक्टर के पास पहुंचते नहीं ये सोचकर कि ये बहुत ही फिजूल का खर्च है और इसे ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। टेंशन हेडेक ये बहुत ही कॉमन प्रकार का हेडेक है और अगर इसका आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो आप 100% अच्छे हो सकते हैं। टेंशन हेडेक होता क्यों है? देखो, रोजमर्रा में हमको यह समझ में आ रहा है कि जो लेवल ऑफ टेंशन है, लेवल ऑफ स्ट्रेस है, इमोशनल प्रॉब्लम्स है, वो धीरे 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 बढ़ रहे हैं। एस्पेशली फीमेल्स जो हाउसेज होती है उनमें फैमिली का प्रेशर है, बच्चों का प्रेशर है, परफॉर्मेंस प्रेशर है, हर चीज का प्रेशर है। फॉर एग्जाम्पल कॉर्पोरेट महिलाएं हैं उनको काम करने का प्रेशर है, जो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं उनको पढ़ाई करने का प्रेशर है। ऐसे अलग अलग प्रकार के प्रेशर या टेंशन लोगों पे आते रहते हैं और इस कारणवश ये धीरे धीरे अगर प्रेशर या टेंशन बढ़ते जाए तो वो टेंशन हेडेक का रूप ले लेता है, उसको बोलते हैं टेंशन हेडेक। टेंशन हेडेक के सिम्टम्स क्या क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, पेशेंट को लगेगा जैसे मैंने सिर पर किसी ने मेरे बैंड बांध दिया है, बैंड लाइक स्क्वीजिंग हेडेक जिसको बोलते हैं। ऐसा लगता है किसी ने पत्थर बांध दिया है या पत्थर रख दिया है मेरे सिर पर या किसी ने कस के कोई बैंड बांध दिया है, ऐसा पेशेंट को लगने लगता है, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट और कॉमन सिम्टम है जिसको बोलते हैं टेंशन हेडेक। होता क्या है, टेंशन हेडेक शुरू होता है फ्रंटल रीजन से, मतलब ये एरिया से शुरू होता है और धीरे 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 वो पीछे तक भी जा सकता है, सर्वाइकल पार्ट तक जा सकता है, पीठ तक जा सकता है और कंधे तक भी जा सकता है। प्रॉब्लम यह है कि अगर आपने ये जो टेंशन हेडेक है इसकी अगर ट्रीटमेंट नहीं ली तो धीरे धीरे ये टेंशन हेडेक का बदल हो जाता है या रूपांतर हो जाता है क्रोनिक डेली हेडेक में। मतलब टेंशन हेडेक कभी कभी मौजूद होता है लेकिन क्रोनिक डेली हेडेक में अगर इसका रूपांतर हो गया तो ये हेडेक कंटिन्यू चलते रहता है। इसलिए टेंशन हेडेक का ट्रीटमेंट लेना बहुत ही जरूरी है। टेंशन हेडेक का डायग्नोसिस बहुत ही इजी है लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स मैंने देखे हैं जो पेशेंट का सीटी स्कैन कराते हैं, एमआरआई स्कैन कराते हैं, अलग अलग इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं लेकिन उनके हाथ में अंगूठा आता है। मतलब ये सब इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल होते हैं क्योंकि टेंशन हेडेक का और एमआरआई सीटी स्कैन का कुछ भी इंपॉर्टेंस है नहीं। इसकी जो ट्रीटमेंट है ये बहुत ही सिंपल है और वो सबको आ सकते हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली डायग्नोसिस न होने के कारण टेंशन हेडेक का ट्रीटमेंट हर कोई दे नहीं सकता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो टेंशन हेडेक के हमने करनी चाहिए डॉक्टर ने एज अ डॉक्टर, वो है कि रीअश्योरेंस ऑफ द पेशेंट। मतलब पेशेंट को दिलासा दिलाना, पेशेंट को रीअश्योर करना कि इसमें कोई घबराने लायक या डरने लायक कोई भी बात नहीं है। अगर हमने इतना भी बता दिया पेशेंट को कि इसमें कुछ सीरियस बीमारी नहीं है तो पेशेंट की आधी बीमारी वैसे ही ठीक हो जाती है। सेकेंड जो ट्रीटमेंट है वो है दवाइयाँ। हमारे पास ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रोपेनोलॉल, अमीट्रिप्टेलिन, एंटी डिप्रेसेंट्स, वालप्रोएट, अल्प्राजोलाम, ऐसी बहुत सारी अलग अलग प्रकार की हमारे पास दवाइयाँ हैं जो हम पेशेंट टू पेशेंट डिफर करते हैं दवाई में और वो दवाई देने के बाद पेशेंट पूरी तरह अच्छा हो सकता है। यूजुअली ये जो डोज है टेंशन हेडेक का वो 6-9 महीने तक है लेकिन इसके कम डोज में भी पेशेंट अच्छा हो सकता है। अगर पेशेंट ने इसकी पूरी तरह डोज लिया तो पेशेंट बहुत ही जल्दी पेशेंट को इसका फायदा मिलता है और पेशेंट अपना जो परफॉर्मेंस है वो एनहांस कर सकता है। टेंशन हेडेक के कारण प्रॉब्लम क्या होता है? टेंशन हेडेक के कारण पेशेंट को एंग्जाइटी होती है, एग्जाम में वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता, अपने काम में ध्यान नहीं दे पाता, बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे पाता, पेशेंट का सेक्सुअल लाइफ डैमेज हो जाता है, पेशेंट हर चीज में फ्रस्ट्रेट हो जाता है। इन शॉर्ट टेंशन हेडेक जो खाली सिर पर अवलंबन है उसका जो प्रभाव है पूरे बॉडी पे दिखने लगता है। इसलिए टेंशन हेडेक का ट्रीटमेंट करना बहुत ही जरूरी है।
जो मैंने बताया जैसे मेडिसिन इसके ऊपर उपलब्ध है, रीअश्योरेंस उपलब्ध है, साथ में ही जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड रिलैक्सेशन। स्ट्रेस मैनेजमेंट मतलब जो स्ट्रेस के कारण, जो प्रॉब्लम के कारण पेशेंट को टेंशन आया है या टेंशन हेडेक हुआ है, वो स्ट्रेस को निकालना ये डॉक्टर की जवाबदारी है, जिम्मेदारी है। इसलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नंबर वन। नंबर टू, रिलैक्सेशन, पेशेंट को रिलैक्स करना और पेशेंट को बताना कि जितना आप रिलैक्स रहेंगे उतना जल्दी आप ठीक हो सकते हैं। रिलैक्सेशन के अलग अलग प्रकार के तरीके हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एज अ साइकेट्रिस्ट जो हम फॉलो करते हैं वो है हिप्नोसिस, मतलब सम्मोहन ट्रीटमेंट। जब हम हिप्नोसिस या सम्मोहन करते हैं तो हमने ये स्टडी में पाया है कि अप्रोक्सीमेटली 1 से 2 महीनों में पेशेंट को 75-80% इंप्रूवमेंट टेंशन हेडेक में दिखता है। ऐसा होलिस्टिक अप्रोच हम टेंशन हेडेक में करते हैं। अनफॉर्चुनेटली लोग डॉक्टर के पास, हमारे पास आते नहीं है और जिंदगी भर टेंशन हेडेक का सफरिंग झेलते रहते हैं। मेरी ये गुजारिश है ये वीडियो के द्वारा कि आपको अगर ऐसा कोई भी पेशेंट दिखा जिसको थोड़ा सा भी सिरदर्द है और जिसको मदद की जरूरत है, उसे आप साइकेट्रिस्ट के पास जरूर भेजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो ये वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं जल्द ही अगला वीडियो लेके आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।